अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी माशाल्लाह हमने तो नाश्ता कर लिया था, हस्बैंड आए हैं शॉप से देर, तो वो कह रहे हैं कि ना मुझे चाय बना के दो, ना मुझे अंडा बना के दो, मुझे रात का सालन और साग पराठा बना दो। तो बस ये काम मेरा आसान हो गया है, साथ साथ में बर्तन भी धो रही थी, बर्तन मैंने वही थोड़े से छोड़ दिए, मैंने कहा भूख लगी होगी उनको क्योंकि आज वो हो गए नाश्ते से लेट, तो जल्दी जल्दी उनके लिए सालन रात पर गर्म कर रही हूँ और साथ पराठा बना रही हूँ। और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी करना है कि आप इतना सपोर्ट करें, इतना प्यार दें, लेकिन कमेंट्स आप बिल्कुल भी नहीं करें, प्लीज़ कमेंट्स करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और ताकि एनर्जी आए, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको दे सकें। तो आज की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करनी है, रेसिपी बहुत ही मज़े की और अच्छी होने वाली है, वीडियो तो पूरी अच्छी होने वाली है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो जी माशाल्लाह जो उस दिन हमने शॉपिंग की थी ना, तो मेरी शॉपिंग नहीं थी, बच्चों की शॉपिंग थी और थोड़ी बहुत मेरी थी जो आप लोगों से शेयर करूँगी। तो इनके लेकर आई हूँ अनस्टिच शलवार कमीज़ें जो आज टेलर के पास जाएंगी, तो मैं इनका श्रिंक कर लेती हूँ। और आज तेज़ धूप है कि जल्दी हमारे कपड़े सूख भी गए, चारों बाप बेटों के कपड़े लेकर मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि कहाँ तक हमारी रेसिपी पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी आज तो बन रही है कढ़ी। और मैंने क्या अपने व्यूअर्स से हमने वादा किया था ना कि आपको दिखाएंगे रेसिपी, लेकिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो इस वजह से देर होगी। आप बता दो किस तरीके से आपने बनाई। बस मैंने मेथी दाना और लहसुन का पेस्ट जो है ना उसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्राइंड करके ना दही बेसन मसाले अच्छा में घुमा के थोड़ा सा भूना है। अच्छा आपका ये तरीका कि आप बुनाई करती हो उस पेस्ट की ना। हाँ, पेस्ट को भूना है, फिर उसके बाद पानी एंड में चम्मच चलाना कि उसमें गुठलियाँ ना बने। सही, मैंने वही कहा ना, मैंने कहा कि बाज लोग ना इकट्ठे ग्राइंड करके वो चढ़ा देते हैं सारा मसाला, लेकिन आप बुनाई करती हो। हाँ चलो ये तो अच्छा, एक अच्छा जरा उसका जायका बन जाता है। चलें ये इनका काम है, कढ़ी को वो कर देना, उसके बाद शाम को मेरा, शाम नहीं मतलब 5 बजे मैं पकौड़े बनाने स्टार्ट करूँगी। हाँ, दो तीन घंटे ये कढ़ी पकेगी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। ये कढ़ी का जो बैटर ये बनाने का इनका काम है, पकौड़े मेरे काम है। अच्छा पकौड़ों में क्या ऐड करूँ फिर? मैं तो सारी चीज़ें डालती हूँ। हाँ रूटीन में बनते हैं। हाँ जैसे हम ये रमज़ान में, हाँ चले प्याज थोड़ी डाल लूँगी ना, पालक और आलू ज़्यादा कर लूँगी, इस तरह कर लेंगे क्योंकि प्याज पता है ना बच्चे फिर हमारे पूरे है ना वो भी कहेंगे मम्मा ये मुंह में टेस्ट आ जाए, यूँ कर लेंगे। चलो सही है। और आज धूप भी कोई इतनी तेज़ है ना, आज हम कढ़ी बना रहे हैं, जब मौसम अच्छा था तो हम सोच रहे थे कि कढ़ी बनाएंगे, लेकिन मौसम इतना गर्म नहीं है, हवा चल रही है माशाल्लाह। जून के मौसम ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर का मौसम हो। तो ये देखें जी आज धूप चेक करें, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मौसम ठीक है। अभी मैंने पानी डाला है जामुन के दरख्त को और ये देखिए छोटे छोटे जामुन भी निकल आए, फिर आपको दिखाएंगे जामुन भी जो एक दो गिरेंगे नीचे। तो जी करते हैं पकौड़ों की तैयारी। और क्या तैयारी है, कोई इतनी खास नहीं है। आलू ये सुबह ही मंगवा लिए थे, शुक्र है अब जो मीठे आलू थे अब नमकीन आ रहे, इतने कोई मीठे आलू थे ना कि खाए नहीं जा रहे थे। तो बस यहाँ से मैं निकालूंगी आलू क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि हमने सिंपल भी पकौड़े खाने हैं। और ये पालक मैंने फ्रीज की हुई थी, ये पालक निकाल लेंगे। और नन कह रही है कि भाई मिक्स आपने पकौड़े बनाने जैसे मैं बनाती हूँ, मैंने कहा चले ठीक है। प्याज मैंने कहा कम डाल लेंगे, यहाँ से प्याज निकाल ली। और पहले मैं इसको डिप कर लेती हूँ थोड़ी देर पानी में ना, क्योंकि ये भी बहुत सख्त है, क्योंकि पकौड़े बनाने में टाइम लगेगा। पहले इसका मैंने ये सारी चीज़ें कट करनी है। अच्छा जी स्पाइसेस मैंने ऐड कर ली हैं इसमें, मैंने देखें दरदरा कुटा हुआ ये मैंने साबुत धनिया डाला है, दरदरी मिर्चें डाली हैं कुटी हुई, और नमक ज़ीरा और अजवाइन डाला है, और साथ हल्दी डाली है। और ये देखें जी ये मैंने पालक भी डाल दी है, प्याज हैं और आलू हैं। बस इसमें पानी डालती हूँ, पानी इतना डालूँगी कि ये ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, पकौड़े हमारे आसान से बने। ठीक है मैं इसको बनाती हूँ और जल्दी जल्दी कढ़ी में डालती हूँ। तो जी माशाल्लाह से बैटर हमारा तैयार हो गया है पकौड़े का, और देखें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है, देखें चम्मच में कैसे ही आ रहा है, गिर भी नहीं रहा नीचे, ऐसे गिराओ तो गिर रहा है
और देखें कितना माशाल्लाह से। और यहाँ आप देखें जी मैंने ऑयल निकाल दिया है जार में और जो बाकी पैकेट में बचता है तो इस तरीके से मैं इसको पलटा के रख लेती हूँ ताकि जो एंड का भी जो कतरा हो ना वो इसमें आ जाए और मैं इसके अंदर ढक्कन में पलटा दूँ। अच्छा यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं लिया वेस्ट करने के लिए क्योंकि कढ़ाई में जैसे हम रमज़ान में बनाते हैं तो वैसे मैंने नहीं डाला, मैंने कम डाला ताकि काफ़ी सारे पकौड़े हमारे इसमें आ जाएं। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, ये कितने 4 घंटे पकी है कढ़ी, माशाल्लाह देखें कितनी गाढ़ी है, पकौड़े डालने के बाद ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो जल्दी से बनाते हैं पकौड़े। तो जी पकोड़े जो फर्स्ट मैंने बनाए थे अभी मैं इनको चेक करवाऊंगी, ये पॉज करती है कि नहीं, नन्ने कहा था पहले मुझे चेक कराना बना के कैसे बने कैसे नहीं, अब आपने बताना है। वैसे तो गर्म है बहुत ज़्यादा, नमक देख लो कैसा है ना, मैंने अभी चेक नहीं किया, नमक मिर्चे सब चीज़ें देखो आप बराबर हैं कि नहीं, अभी गर्म अभी पहले फेर था तो मैंने कहा मैं ले जाऊँ, आपने कहा था ना चेक करवाना कैसा है, नमक कम है ना, वैसे मैंने कम रखा था, मैंने कहा बाद में डाल लूँगी ना, चलो मैं और डाल देती हूँ, अभी तो दूसरा फेर है। और ये अपना सूट कट रहा है आपका, हमारी ने जगह छोड़ी है अभी तो बात सुनो, अभी तो ख़रीदा भी नहीं है पहले से बुकिंग करवा ली, चलो मैं जाती हूँ इससे पहले पकौड़े सड़ जाए। सलाम करो मेरा बेटा। वालेकुम सलाम। और ये देखिए पकोड़े साथ साथ बन रहे हैं गरम गरम, मुझे लग रहा है कि आज ना कड़ी में पकोड़े नहीं जाएंगे, जैसे जैसे बनते जा रहे हैं ना बच्चे आते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 2 गरम गरम हमने खाने हैं, चलो कोई नहीं मैं और बना लूँगी, ठीक है आप लोग खा लो भूख लगी होगी। या आप दोनों बहन भाई जाओ और गिरना जाना, ठीक है आराम से लेके जाना, बड़ी मोमानी को तो दे दिया ये छोटी मोमानी के लिए, ठीक है चलो शाबाश जाओ आराम आराम से स्टूडियो पे जाना गिरना नहीं। माशाल्लाह से कढ़ी हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने देखें जी तड़का दे दिया है, माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह खाना खा लिया है, बस धोने हैं बर्तन। और उम्मीद करती हूँ कि आज हमने कढ़ी बनाई है आप लोग भी ट्राई करेंगे और माशाल्लाह अच्छी बनाते होंगे, लेकिन बहुत आसान तरीका है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो जल्दी भी बन जाएगी और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। तो वैसे तो हमने 2-3 घंटे पकाया था क्योंकि जब तक आप कढ़ी को ज़्यादा ना पकाएं ना तो वो जो बेसन का जो कच्चापन है वो रहता है और हम ज़्यादा पकाते हैं, बाज़ लोग ये कि 1 घंटा 1.5 घंटा हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये कि हम हल्की आँच पर रख के ना तो हम अपना रेस्ट हमने कर लिया था, फिर आके देखा तो वो गाढ़ी और बहुत ही खट्टी और मज़े की बनी थी, दही हमने ज़्यादा डाली थी और बेसन कम डाला था और ये के स्पाइसेस हमने थोड़े से तेज़ डाले थे क्योंकि चटपटी कढ़ी अच्छी और मज़े की लगती है। तो बस प्लीज़ आपने जैसे जैसे हम व्लॉग बना रहे हैं तो आप कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी और शेयर भी करें ताकि हमें एनर्जी आए, ताकि हम अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों को दे सकें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपने अपने प्यारों का ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।